अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, आई होप यू आर ऑल फाइन। आई एम योर टीचर फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कॉर्डोबा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर सिक्स्थ लेक्चर ऑफ इंग्लिश। ओपन योर इंग्लिश एक्टिविटी बुक, पेज नंबर 15। रिव्यू 1। हमने ये टेक्स्ट बुक और एक्टिविटी बुक से लेसन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 फुल कंप्लीट किया था, तो हमारे लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया। अब उसकी हम रिवीजन करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या आया था और थोड़ी सी उसके बारे में और थोड़ा सा मज़ीद जानेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। लिसनिंग, लिसनिंग मीन सुनना। लिसन टू द वर्ड केयरफुली एंड से देयर साउंड्स। ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको आप सुने अच्छी तरह से और आपने इनकी क्या बतानी है, साउंड। ओके स्टूडेंट्स, आपने इन वर्ड्स की साउंड्स बतानी है। टी आर ए आई एन, ट्रेन। ट्रेन द साउंड इज छु 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 छु। ट्रेन द साउंड इज छु 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 छु। सी ओ डब्ल्यू काओ, काओ। काओ साउंड इज मू मू मू। काओ साउंड इज मू मू मू। आर ए आई एन रेन, रेन साउंड इज पिटर पैटर पिटर पैटर। जब स्लो स्लो बारिश हो रही होती है तो उसकी आवाज़ कैसे होती है, पिटर पैटर। बी आई आर डी बर्ड, बर्ड साउंड इज चिप 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 चिप। बर्ड साउंड इज चिप 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 चिप। स्टूडेंट्स, आपने इन वर्ड्स की इनको सुनना है, पढ़ना है आपने, और फिर इनकी साउंड्स आपने अगेन टू अगेन निकाल निकाल कर रिपीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्पीकिंग। स्पीकिंग मीन बोलना। लुक एट द गिवन पिक्चर्स केयरफुली एंड से अ सेंटेंस अबाउट ईच। इन पिक्स को आप अच्छी तरह से गौर से देखें, केयरफुली मीन गौर से देखें, और इनके बारे में आपने क्या करना है, इन सब पिक्स के बारे में एक एक आपने सेंटेंस इंग्लिश में बनाना है। ओके, पहले हम इन चीज़ों के नेम देख लेते हैं। व्हाट इज़ दिस, एलिफेंट। एलिफेंट से कोई सेंटेंस बनाएं। एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। एलिफेंट क्या होता है, बड़ा, बड़ा होता है ना, तो उससे हम सेंटेंस बना लेंगे, एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। व्हाट इज़ दिस, ऑरेंज। व्हाट इज़ दिस, ऑरेंज। आई लाइक ऑरेंज। स्टूडेंट्स, आपने ये ऑरेंज देखा होगा, आपको ये पसंद है? वाओ, वेरी गुड, सब बच्चों को पसंद है। ओके, इससे हम फिर क्या बना लेंगे कि मुझे ऑरेंज पसंद है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई लाइक ऑरेंज। इसको हम स्पीकिंग इसकी कैसे करेंगे, आई लाइक ऑरेंज। व्हाट इज दिस, एंट। एंट मीन चूंटी। एंट का अब हम सेंटेंस बनाएंगे, एंट इज अ स्मॉल इंसेक्ट। एंट इज अ स्मॉल इंसेक्ट। ये आपने एंट भी देखी होगी, ये बहुत छोटी सी होती है, इसलिए हम क्या कहेंगे, एंट इज अ स्मॉल इंसेक्ट। व्हाट इज दिस, अम्ब्रेला। व्हाट इज दिस, अम्ब्रेला। दिस इज एन अम्ब्रेला। ये एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला मीन छतरी।
टर्न द पेज, पेज नंबर 16. नेक्स्ट रीडिंग, रीडिंग मीन पढ़ना. रीड द गिवन वर्ड्स विथ करेक्ट पंक्चुएशन अंडर द डायग्राफ. मैंने आपको डायग्राफ के बारे में बताया था ना, याद है सब स्टूडेंट्स को? ओके, वेरी गुड. आपने इन पंक्चुएशन को अच्छी तरह से पढ़ना है. आपने डायग्राफ को क्या करना है, अंडरलाइन. पी एच फू, फू क्या है, डायग्राफ. पी एच फू ओ एन ई फोन. पी एच को हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन. इस तरह हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन. पी एच फू को अंडरलाइन कर दिया हमने, क्या बन गया, फो फोन. डब्ल्यू एच वो डबल ई एल व्हील. डब्ल्यू एच इज डायग्राफ, इसको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन. वो व्हील. एस एच ए आर के शार्क. एस एच शू, शू इज डायग्राफ, हम इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन. Underline the diagraph. Shoe is diagraph. T H U M B, thumb. T is thumb. Thumb को हम क्या कर देंगे, underline. W H A L E, whale. W H वो, वो इज डायग्राफ, वो वेल. C H I P S chips. C H two chips. Two is diagraph, under the diagraph. T is tho, R double E three, under the diagraph tho. C H I double L I chili. C H two is diagraph, two chili. P H four, O T O photo. P H four photo. Four is diagraph. S H O E shoe. S H shoe. Shoe is diagraph. Students, आपने इनको ऐसे ही reading इनकी करनी है और आपने ये underline करने हैं diagraph को. Next the topic is writing. ये जो है मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ. राइटिंग, राइटिंग. राइट द लेटर्स विच कम बिफोर द गिवन लेटर्स. हम इन लेटर्स को देखेंगे सबको. ये जो हैं कैपिटल लेटर्स हैं और ये स्मॉल लेटर्स हैं, और हम इसी तरह इनके कैपिटल लेटर्स जो इनसे पहले आते हैं, बिफोर आते हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे. जैसे एफ बिफोर क्या आता है, ई. इसी तरह हम बाकी लिखेंगे. और एम बिफोर एल, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एल. कैपिटल ई, स्मॉल एल. F before E, R before Q, C before B, M before L, H before G, M before L, X before
W, I before H, Q before P, Z before Y. Now the lecture has completed. Your homework is activity book page number 15, 16 and 17. Do it on your activity book. Stay home, stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.